हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स टू ऑल एंड वेलकम द टेस्टबुक डॉट कॉम माई नमेश यू तिवारी एंड होप यू आर डिंग बेट यू आर डिंग ग्रेट चलिए गए सो सभी का स्वागत है जितने भी कैंडिडेट कनेक्ट हो चुके हैं मैं भी एक बार मोबाइल को ओपन कर लेता हूँ और देख लेता हूँ कितने महारा थी जुड़े तो काफ़ी दिन से इंतजार था हमारे इस वीकली सेशन का और चलिए गाइस तो शुरू करते हैं हम लोग आज के सेशन को है ना और ये वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ है मैं प्रयास करूंगा कि आपके एग्जाम तक इसको मैं बेहतर वे में कंडक्ट करूं और जो भी इम्पोर्टेंट यानी कि बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को मैं आपको कवर कराने का प्रयास करूँ तो ठीक है तो बेहतरीन सेशन रहेगा वन बाई वन हम लोग सारी चीज़ें इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे तो मेरे साथ बिल्कुल आप जुड़े रहें बिल्कुल लगातार जुड़े रहें दोस्तों है ना सारे सेशनस आपके बेहतर वे में होने वाले हैं जितने भी लोग जुड़ते जुड़ते चले जा रहे हैं एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग सेशंस को लाइक like और शेयर कर दीजिएगा सो so दैट बाकी के जो अदर कैंडिडेट हैं वो भी सेशन को दोस्तों जरूर अटेंड कर पाएंगे है ना तो दोस्तों इसमें हमारा जो प्रयास है बारह से लेकर के जो एटीनथ मार्च तक का करंट अफेयर है वो पूरा का पूरा हम लोग पार्ट कवर करने जाएंगे ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं आ, सर बैच में तो लेटेस्ट करंट अफेयर नहीं है लेटेस्ट करंट अफेयर उसमें मैंने काफ़ी पुराना तक कवर किया है मतलब है ना और uh, ये जो रिमेनिंग पार्ट है ऑलरेडी मैं इसमें कवर करने जाऊंगा यानी कि उसमें जो आपको मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपका दोस्तों कहाँ तक का मे बी जनवरी एंड तक का पूरा मिलने वाला है उसमें ठीक है और जो फरवरी का है वो मैं आपको कवर करा दूंगा यूट्यूब के थ्रू और बाकी जो मार्च का पार्ट है वो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर कवर करने जाएंगे ठीक है तो हम लोग चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस करंट अफेयर सीरीज को और बाकी ये आपके अब आप हर एक वीकेंड पर रहेगी ये क्लियर याद रखिएगा है ना ये सीरीज जो है ना आपकी हर एक वीकेंड पर रहेगी तो आप हर एक वीकेंड पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं दोस्तों ठीक है बाकी इसकी जो पीपीटी है वो मिल जाएगी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर सो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें और बाकी जो आपके रेगुलर सेशंस होते हैं वो सभी को मालूम है कि डेली होता है 1 पीएम पर सैटरडे संडे टाइमिंग वेरी करती है कल संडे है दोस्तों कल हम लोग हिस्ट्री का पार्ट कवर करने जा रहे हैं और मैं एडवांस में ही आपको सभी को बता दूं कि कल आपका मॉर्निंग में नाइन ए एम पर सेशन रहेगा मॉर्निंग में नौ बजे तो आप मेरे साथ नौ से ग्यारह बजे कल हिस्ट्री का सेशन कवर कर सकते हैं और बाकी दोस्तों आप अपनी प्रिपरेशन के लिए जुड़ सकते हैं बिल्कुल टेक्सट बुक सुपर कोचिंग कोर्सेज के साथ और जो भी हमारे कोर्सेज हैं उन सभी के लिए इन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं कूपन कोड करे जाए यस एच आई वी के टी टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट और जो भी आपके प्राइसेस रहेंगे वो रहेंगे बहुत ही कम ठीक है तो यूज़ करिए कूपन कोड यस एच आई वी के टी टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ठीक है चलिए दोस्तों ये रहा आज के सेशन का सबसे पहला सवाल आप सभी के सामने इसमें एक मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में पूछा गया है दोस्तों ठीक है जो अभी रिसेंट ही न्यूज में है अब देखो मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज की अगर आप बात करोगे तो हाल ही में अभी बहुत सारी न्यूज में है जैसे आपने करुणा के बारे में पढ़ा होगा वरुणा के बारे में पढ़ा होगा ठीक है शक्ति के बारे में पढ़ा होगा फिर आपने पढ़ा होगा किसके बारे में वज्र प्रहार के बारे में युद्ध अभ्यास के बारे में एक आपने पढ़ी होगी साइक्लोन है ना जो अभी रिसेंट में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी हमारी इजिप्ट के साथ है ना दूसरी आपने पढ़ी होगी एक जिमैक्स करके हुई थी जो जापान के साथ हुई थी ठीक है तो ये जो इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है एक हुई थी ओप्स अलर्ट करके ठीक है तो बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइज है तो पूछा गया है कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है अल मोहम्मद ठीक है याद रखेगा अल हिंद तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज निम्नलिखित में से किस देश के साथ हुई थी आपको ये बताना है और मैंने यहाँ पर इमेजेस भी डाला हुआ है और अगर कभी पूछा गया ये किस प्रकार की मिलिट्री एक्सरसाइज है सो इट इज अ नवल मिलिट्री ये याद रखेगा नवल एक्सरसाइज है नेव, दो देश की ने, नेवी सेनाओं के बीच में हुई है तो एक तरफ तो है भारत दूसरी तरफ यहाँ पर देश कौन सा है ओमान इसराइल सऊदी अरेबिया या फिर यू एसमें काफी सारे लोग तुक्के मार रहे हैं लगता है पढ़ा के नहीं आए हैं so इसमें से दोस्तों जो राइट आंसर है दैट इज सऊदी अरेबिया सऊदी अरेबिया दोस्तों आप सभी को मालूम है कि साउदी uh, अरेबिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों और इसकी जो कैपिटल आप पढ़ते हैं दैट इज अ रियाद और इसकी जो करेंसी हम लोग पढ़ते हैं दैट इज अ रियाल दोस्तों ठीक है सो दैट इज अ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक है और अगर हम लोग इस मिलिट्री के बारे में बात करें इस एक्सरसाइज के बारे में बात करने जाएं तो याद रखिएगा ये द्विपक्षी आपकी एक नवल एक्सरसाइज है जो नेवी के बीच में हुई है दोस्तों ठीक है और इस बार इसको जो हॉस्ट किया है वो किसने किया है सऊदी अरेबिया ने ही हॉस्ट किया है दोस्तों ठीक है और ये जो मिलिट्री ये मतलब नवल एक्सरसाइज जो होना शुरू हुई थी वो दो से हुई थी ठीक है तो इसकी जो शुरुआत है वो दो से है बाइलेटरल है द्विपक्षीय है दो तो देशों की से, नौसेनाओं के बीच में होती है एक सऊदी अरेबिया और दूसरा कौन सा है हमारा भारत दोस्तों ठीक है अगले सवाल की ओर रुख करते हैं पूछा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन जो 2023 का वाटर कॉन्फ्रेंस है ये कहां पर हुआ था दोस्तों आपको मालूम होगा कि आज के समय में जो पैक्ड वाटर होता है ना पैक्ड वाटर ठीक है आपने देखा होगा कि आज के समय में जो वाटर बोटल्स है इनकी जो सेल्स है ना बहुत हाई लेवल पर है ठीक है और बहुत सारे लोग इसमें बहुत मुनाफा भी कमाते हैं खासतौर से आपने ट्रेन वगैरह में देखा होगा कि पंद्रह रुपए की बोतल को बीस रुपए की पच्चीस रुपए की भी बेची जाती है कई बार है ना और कई बार तो वाटर की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती है पैक्ड वाटर की कि उसको परचेज किया जाए ठीक है बट इसकी क्वालिटी पर कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑब्जर्वेंस नहीं है कई देश हैं जिन्होंने जो पैक्ड वाटर है मिनरल वाटर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया कि भाई साहब जो वाटर है वो नेचर के द्वारा मिलता है और उसको भी अगर हम लोग बेचना शुरू कर देंगे तो फिर जीवन में रहेगा क्या पेट ठीक है तो जरा बताएगा कि इसका राइट आंसर क्या है तो इसमें से पूछा गया है कि इस कॉन्फ्रेंस को हॉस्ट किसने किया है और इस कॉन्फ्रेंस को जो हॉस्ट किया गया दोस्तों याद रखेगा न्यूयॉर्क यूएसए के द्वारा ठीक है तो जो आपकी ये आ, संयुक्त राष्ट्र 2023 का जल सम्मेलन हुआ है दोस्तों तो ये यूएसए में हुआ है और संयुक्त तो राष्ट्र का है तो क्लियर सी बात है कि आप इसकी बात करने जाएंगे न्यूयॉर्क यूएसए और इसका जो मैंने आपको मुद्दा बताया कि इसका जो टाइटल क्या था इस रिपोर्ट का तो इस रिपोर्ट का टाइटल याद रखिएगा दैट इज अ ग्लोबल बोटल्ड वाटर इंडस्ट्री अ रिव्यू ऑफ इंपैक्ट एंड ट्रेंड्स ठीक है तो ये याद रखेगा दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है ये जो रिपोर्ट है ये रिवील करती है कि जो बोटल वाटर इंडस्ट्री इज मेकिंग द एग्जिस्टिंग इश्यू ऑफ द लैक ऑफ रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल ठीक है तो दोस्तों आज के समय में ना मैं बात करने जाऊं तो इसको लेकर के बहुत सारी चीजें चल रही हैं ठीक है और इसकी गुणवत्ता पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सारी चीजें काफी डिस्टर्ब करेंगे ठीक है चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बताएगा किस में से आप किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे विच वन इज द राइट आंसर दोस्तों ठीक है पूछा गया है कि विच कंट्री ब्रोक्ड द साउदी ईरान ठीक है एक पीस डील यानी कि अगर आपने देखा होगा तो सऊदी और ईरान के बीच में काफी समय से जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे लेकिन एक देश ऐसा है दोस्तों जो वेस्टर्न एशिया में अपनी पकड़ को बहुत अच्छे से करता चला जा रहा है दोस्तों ठीक है तो जरा बताएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विच वन इज करेक्ट आप इसमें से निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे ठीक है ये आपको पूछा गया सऊदी और ईरान के बीच में ये जो पीस डील हुई है इस पीस डील के बीच में बोला गया है कि जो बीच में मध्यस्थता करने वाला देश कौन सा है दोस्तों ठीक है तो जरा बताइएगा कि इसमें जो मध्यस्थता की गई है वो किसके द्वारा की गई है ठीक है जरा बताएगा कि आप इसमें से किसको टक् टिक करने जाएंगे ठीक है तो इसमें जो इंटरमीडिएटरी रहा है यानी कि बिचौला रहा बिचौलिया रहा है खासतौर से उसको पूछा गया दोस्तों ठीक है तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ये टेन पी तक होगी देखो यार देखो एक वीक के करंट के लिए ना एक घंटा सफिशियंट है मुझे जहां तक ऐसा लगता है और बहुत ही स्पेसिफिक पढ़ना सिलेक्टेड न्यूज को पढ़ना है ना सफिशियंट है ठीक है तो दोस्तों याद रखिएगा चाइना जो है ना आप कह सकते हैं कि यूएसए के साथ ये टेंशन जरूर बढ़ा रहा है लेकिन अगर मैं चाइना की बात करने जाऊं तो ये वेस्ट एशिया पे अपनी कमांड बहुत अच्छी करता चला जा रहा है ठीक है और आप कह सकते हैं कि इसने सऊदी को और ईरान को नजदीक ला करके अपना भी खुद का एक बहुत बड़ा बेनिफिट किया होगा एवरी जो चाइना करता है वो अपने इंटरेस्ट के लिए ही करता है तो आप ये देख पा रहे होंगे कि चाइना के मिनिस्टर हैं जो सऊदी और ईरान के दोनों जो मिनिस्टर्स के बीच में खड़े हुए हैं दोनों के बीच में पीस डील को साइन करा रहे हैं दोस्तों ठीक है तो ये याद रखेगा जो चाइना की कमांड है ना पकड़ है मजबूती है जो इन्फ्लुएंस है ये वेस्ट एशिया में लगातार हमको बढ़ता हुआ देखने को मिलता है दोस्तों ठीक है तो आप कह सकते हैं कि यूएस के साथ साथ ये अब वेस्टर्न पावर अपने एशिया में भी अपनी पावर को बेहतर करता चला जा रहा है अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो इस समय न्यूज में चल रही है क्योंकि यहां पर दोस्तों कुछ लायंस का मूवमेंट किया गया ठीक है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो फोर्टीन लायंस है यहां पर अभी हाल ही में शिफ्ट किए जाएंगे ठीक है आपने न्यूज में सुना होगा कि कुछ आपके जो है एलिफेंट है जो आपके अदर स्टेट से अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में शिफ्ट किए गए थे है ना अभी आपने पढ़ा होगा कि जो बारह चीता है वो आपके कुनों में लाए गए हैं ठीक है ठीके? तो काफी सारा जो है वाइल्ड लाइफ का जो है एक्सचेंज चल रहा है इस समय और इंडिया ने अभी हाल ही में एक पैक्ट भी साइन किया है बिग कैट्स के एक्सचेंज को लेकर के ठीक है एक अंतर्राष्ट्रीय पैक्ट भी साइन हुआ है तो जरा बताएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा वन इज द राइट आंसर ठीक है बैच में जब बहुत ज्यादा करंट अफेयर है तो उसको थोड़ा सा बहुत देखना पड़ेगा ठीक है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दट इज गुजरात ठीक है तो ये याद रखेगा दोस्तों जो गिर नेशनल पार्क है आपका गिर नेशनल पार्क से जो 40 एशियाटिक लायन है वो मूव किए जा रहे हैं आपके किस में वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो आप एक वंशदा भी पढ़ के जाइएगा वो भी गुजरात में ही है गिर नेशनल पार्क भी गुजरात में है आप इसके बारे में पढ़ते हैं वेलवा डेर के बारे में भी पढ़ते हैं हम लोग और साथ में आपने बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी पढ़ना है दोस्तों ठीक है तो याद रखेगा जो एशियाटिक लाइन का एक लौता जो होम प्लेस है वो आपका कौन सा है इज गुजरात और यहाँ पर जो गिर नेशनल पार्क है बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ से जो चालीस एशियाटिक लाइन है इनको बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या किया जाएगा मूव किया जाएगा दोस्तों ठीक है जो कि गिर नेशनल पार्क से लगभग हंड्रेड किलोमीटर ही दूर है ठीक है हंड्रेड किलोमीटर ठीक है चलिए अगला सवाल पूछा गया है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोडवा हॉकी महोत्सव की मेजबानी की है दोस्तों देखिए अंतरराष्ट्रीय जो हॉकी विश्व कप है वो भी भारत ने इस बार का होस्ट किया है 2018 का भी भारत ने होस्ट किया था 2023 का भी होस्ट किया है उड़ीसा में हुआ था आपको मालूम है कि जो आपके स्टेडियम है वो कलिंगा स्टेडियम और बिरसा मुंडा स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किए थे जो जीता था वो किसने जीता था ब्राजील ने ठीक है में भी जर्मनी, में भी जर्मनी जर्मनी जीता था ठीक है जर्मनी ही जीता था अब इसमें पूछा गया है कि ये जो एक महोत्सव होता है ये निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट है जो ऑर्गेनाइज करता है और इसमें से जो करेक्ट आंसर है दोस्तों दैट इज अ कर्नाटका तो बिल्कुल कर्नाटका जहां पर आप कंबाला फेस्टिवल के बारे में पढ़ते हैं हम्पी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों वहां पर एक हॉकी महोत्सव होता है जिसका नाम है कोडवा काफी प्रसिद्ध है दोस्तों ठीक है ना और ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कम्युनिटी के बीच में होता है दोस्तों ठीक है तो याद रखिएगा ये चार साल के गैप के बाद इसको दोबारा से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कोडवा हॉकी फेस्टिवल को और अगर हम लोग इसकी बात करने जाए तो ये याद रखिएगा एक वार्षिक यानी कि एनुअल इवेंट है और आपके इसको विश्व का सबसे बड़ा हॉकी इवेंट कह सकते हैं ठीक है तो ये विश्व का सबसे बड़ा हॉकी इवेंट है ये जो आपके हिली यानी कि पहाड़ी क्षेत्र के एरियाज है कोडवा कम्युनिटी ये इसमें पार्टिसिपेट करती है और लगभग दो से ज्यादा जो फैमिली है ये इसमें पार्टिसिपेट करती है और जो टीम बनती है उस टीम के लिए यह कंपलसरी होता है कि वो सभी टीम के मेंबर एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाले तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही नेशनल लेवल का प्लेयर खेलता है या कोई इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर आकर के पार्टिसिपेट करता है ऐसा कुछ भी नहीं है ये पर्टिकुलर जो कोडो कम्युनिटी है हिली एरियाज में रहती है उनके बीच में इसको कंडक्ट किया जाता है ठीक है अगला सवाल देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि विच इंस्टीट्यूट लॉन्च ए टी एल दोस्तों एटीएल का मतलब आप जानते हो गए ये काफी इंपॉर्टेंट है मैं फिर भी लिख देता हूं अटल टिंकरिंग याद रखिएगा लैब तो दोस्तों आपने देखा होगा कि सरकार चाहती थी कि आज के समय में हम लोगों ने एक प्रोग्राम चलाया था अटल इनोवेशन मिशन और दूसरा आपने एक चला होगा दोस्तों सेतु सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन और एक है हमारा एन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन एक है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तो सरकार चाहती है कि लोगों को क्या किया जाए स्किल्ड वर्कर पैदा किया जाए ठीक है हम लोग अपने देश में ज्यादा से ज्यादा जो हमारी वर्क फोर्स है उसको स्किल्ड लेबर में कन्वर्ट करें और अगर हम लोग स्किल्ड लेबर में डेफिनेटली दोस्तों कन्वर्ट कर देंगे तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट होगा दोस्तों ठीक है तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा तो अटल सारथी की बात की गई है दोस्तों तो इसमें से आप जो सही आंसर टिक करने जाएंगे वो कौन सा हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर तो ये नीति आयोग लेकर के आया है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अब दोस्तों इसमें जो भी आपके न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं वो सभी अपॉइंटमेंट जरूर पढ़ के चले जाइएगा क्योंकि आपको मालूम है कि अभी हाल ही में इसमें न्यू वाइस चेयरमैन आए हुए हैं सुमन कुमार बेरी साहब एम एंड सीईओ जो अभी परमेश्वरन अय्यर थे वो दोबारा से फिर से बदल गए हैं बी वी सुब्रमण्यम हो गए हैं और इसमें जो आट, हम लोग फुल टाइम मेंबर ज्वाइन किया करते थे जिसमें चार पढ़ा करते थे आप उसमें याद रखिएगा विवेक देव रॉय की जगह पर नए सदस्य की नियुक्ति हो गई है याद रखिएगा वीरामनी करके आए हुए हैं तो वो आपने पूरे डिटेल में के जा दोस्तों ठीक है तो याद रखिएगा आपने एक पढ़ा होगा अटल प्रधान, वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना उसके तहत हम लोग हर हर आप कह सकते हैं कि वर्कशॉप बनाई जाएंगी अटल ट्रिंकरिंग लैब का ही मतलब है वर्कशॉप स्थापित करना ठीक है बेहतर वर्कशॉप मुहैया कराना और इन वर्कशॉप पर बेहतर से बेहतर स्किल्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना दोस्तों चलिए अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्लू पी आई बेस्ड इन्फ्लेशन ठीक है इन इंडिया इन फेब 2023 ठीक है तो जरा बताएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा 7.85 होगा 6.85 होगा 5.85 होगा और 3.85 हो जाएगा विच वन इज राइट ठीक है तो इसमें से आप निम्नलिखित में से करने जाएंगे वन होगा टू होगा काजल प्रियंका डी पटेल ठीक है ठाकुर दयाल जी ठीक है दोस्तों सभी का वेलकम जितने भी लोग आदित्य सभी लोग जुड़े हुए हैं सुमन दोस्तों ठीक है सभी का स्वागत है सभी का स्वागत है और बाकी सब दोस्तों के साथ मैं बोलूंगा कि एक बार देखिए शेयर कर दीजिएगा अगर मुझे इस सेशन का रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो मैं आपके लिए सिलेक्टेड करंट अफेयर सेशन लेकर के आऊंगा और एक वीक का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा ना दोस्तों उसको मैं पूरा फिनिश कर दूंगा दोस्तों है ना मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से करंट अफेयर को खींचा जाए या लंबा किया जाए तो जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मैं कवर करूंगा ठीक है तो इसका जो right answer है है दोस्तों ठीक आप सभी जानते होंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स है आ, काफी पॉपुलर होता है न्यूज में रहता है और इसको कौन पब्लिश करता है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करता है और इसका कई बार आपने बेस ईयर भी पढ़ा होगा कि इसका जो आधार वर्ष है दोस्तों वो है दो और 2012 कई बार एग्जाम में पूछा गया है और दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि जो हेड इन्फ्लेशन होता है हम लोग जो हेड इन्फ्लेशन है उसको मेजर करने के लिए किस इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं तो भी आप डब्लू को ही टिक करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जाएंगे दोस्तों ठीक है क्वेश्चन में पूछा गया है <coughs> यस अरविंद जी स्वागत है कि द पायलट ट्रायल ऑफ एम डी फिफ्टीन बसेस एंड प्रोटोटाइप लॉन्च ऑफ एम हंड्रेड हंड्रेड मेथेनॉल वॉज लॉन्च इन विस सिटी देखिए दोस्तों आज के समय में आपने देखा होगा कि हम लोग जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर को पहले तो ये आपको मालूम है रोड्स हाईवेज है ना एक्सप्रेस वेज इस समय बहुत बेहतर किए जा रहे हैं हर एक शहरों में अगर आप देखें तो यातायात की सुविधाओं को सुगम और आसान बनाने का प्रयास पूरी तरीके से किया जा रहा है दोस्तों ठीक है अब हम लोग चाहते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल का मतलब बचत है वो होना शुरू हो जाए तो हम लोग आपको एथेनॉल ये मेथनॉल और ये बहुत सारी चीज़ों की ब्लेंडिंग करना हम लोगों ने शुरू कर दी है ठीक है तो इसमें से जो राइट right आंसर हो जाएगा वन इज द राइट आंसर यस साक्षी ग्रीटिंग्स तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ अ बेंगलुरु और बेंगलुरु आप वैसे भी जानते हो कि बेंगलुरु को हम लोग साइंट आ, मतलब साइंस सिटी के नाम से जानते हैं दोस्तों है ना बेंगलुरु को हम लोग सिलिकन वैली के नाम से जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जानते हैं जितने भी आपके मैक्सिमम स्टार्टअप आप है सब बेंगलुरु में ही आपको मिलेंगे मैक्सिमम मतलब कैपिटल कह सकते हैं यूनिकॉर्न कंपनीज की और ट्रैफिक अपने आप में तो मतलब पूरे वर्ल्ड पॉपुलर है बेंगलुरु का ट्रैफिक। अगला क्वेश्चन है कि एज ऑफ़ फ्रॉम हाउ मेनी कंट्रीज वर परमिटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक है सुचरा बताएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा और आप निम्नलिखित में, में से किसको टिक करने जाएंगे तो पूछा गया है कि दो हजार तेईस के आधार पर बैंक फ्रॉम हाउ मेनी कंट्रीज परमिटेड बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ट्रेड इन रुपीज ठीक है मतलब कितनी देशों की बैंकों को आरबीआई ने परमिट किया हुआ है कि वो रुपीज में ट्रेड करना शुरू करें और आपको मालूम होगा दोस्तों कि हमारा जो रुपी डोमेस्टिक करेंसी है वो इंटरनेशनली अब पॉपुलरिटी गेन कर रहा है बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जो पेमेंट के तौर पर अब रुपी को स्वीकार कर रहे हैं और रुपी में पेमेंट कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों हमारी करेंसी की सॉफ्ट पावर जितनी बढ़ती चली जाएगी आप याद रखेगा जितना हमारा ये रुपया बेहतर होता चला जाएगा और हमारी जो आत्मनिर्भरता है निर्भरता है वो डॉलर पे कम होती चली जाएगी हमारे लिए ट्रेड की दृष्टि से ये उतना ही बेहतर है दोस्तों ठीक है हाँ सभी एग्जाम्स के लिए रहता है बिल्कुल ठीक है दोनों में सभी का सेम ही है ठीक है सभी का सेम ही है ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है करंट अफेयर तो करंट अफेयर दोस्तों ठीक है सो दैट इज आर टोटल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर एटीन बैंक को याद रखेगा तो 18 देशों की बैंकों को आरबीआई ने परमिशन दे दिया है कि वो रुपी में ट्रो, ट्रेड कर सकता है दोस्तों ठीक है चलिए अगला सवाल देखिएगा हाँ अगर ऐसा हुआ तो रुपी भी हार्ड करेंसी हो जाएगा आप देखो करेंसी कई तरह की पड़ते हैं सॉफ्ट करेंसी हार्ड करेंसी एक बैरन करेंसी भी पड़ते हैं आप ठीक है आपने ये पढ़ा होगा हॉट करेंसी कोल्ड करेंसी ठीक है डीर मनी और आपने पढ़ा होगा चीपर मनी ठीक है तो ये दोस्तों ना ये मतलब डिपेंड करता है अगर आपके देश में पॉलिटिकल जो स्थिति है वो स्टेबल है आपके देश में दोस्तों याद रखिएगा इंडस्ट्रियल आप स्ट्रांग है ठीक है तो डेफिनेटली क्लियर सी बात है कि आपके देश की करेंसी कैसी हो जाएगी हार्ड मनी हार्ड मनी का मतलब होता है हार्ड करेंसी का कि एक ऐसी करेंसी जिसकी वैल्यू अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती दोस्तों ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जरा बताएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा पूछा गया है दोस्तों की हु इज द फर्स्ट फीमेल लोको पायलट तो अभी हाल ही में मुझे नहीं लगता दोस्तों अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं सोशल मीडिया में फेसबुक चलाते हैं या इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं तो आपने हर जगह पर इनका फोटो देखा होगा कि वंदे भारत ट्रेन को चलाने वाली सबसे पहली महिला जो पायलट है लोको पायलट है वो कौन है और उनका नाम है इज यादव ठीक है हर जगह पर सोशल मीडिया में आपने देखा होगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों ठीक है क्रिप्टो करेंसी यार रहने दो क्रिप्टो करेंसी कभी कभी लगता है एक पब्लिक के दिमाग के लिए फ्रॉड टाइप का है है ना एक समय उसके प्राइस बहुत कम थे फिर आगे जाके आसमान प्राइस छूने लगे और एकदम धड़ाम से चले गए ठीक है पूछा गया कि व्हाट विच स्टेट अप्रूव टेन परसेंट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन टू स्टेट हुड एक्टिविस्ट इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब तो पूछा गया किस राज्य ने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरी में दस परसेंट क्षेत्र आरक्षण को मंजूरी दी है ठीक है तो झारखंड होगा उत्तराखंड होगा पंजाब होगा या फिर राजस्थान तो इसमें से आप निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को टिक करने जाएगा दोस्तों ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर उत्तराखंड इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा तो जो उत्तराखंड के मतलब जो राज्य सरकार होगी याद रखेगा मतलब अब ये टेन याद रखेगा हॉरिजोनटल रिजर्वेशन प्रोवाइड करने जाएगा दोस्तों ठीक है इसका मतलब है जो स्टेटहुड एक्टिविस्ट है देखे आप जरा समझ लीजिएगा यानी कि जो आज के समय में जो राज्य के स्तर पर अलग अलग एक्टिविटीज में होते हैं ना आपने देखा होगा कि बहुत आ, मतलब कोई एनवायरमेंट के लिए काम कर रहा होता है कोई सोशल वर्क के लिए काम कर रहा होता है कोई आर्ट एंड लिटरेचर पे काम कर रहा होता है दोस्तों ठीक है तो कोई इकोनॉमिक के सेक्टर में अपना कार्य कर रहा होता है तो ऐसे ही लोगों को भी मतलब जो समाज के लिए सोसाइटी के लिए पर्यावरण के लिए लोक कला के लिए संस्कृति के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों को भी 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा दोस्तों ठीक है और अगर ऐसा होगा तो लोग क्लियर सी बात है लोग संस्कृति के प्रति अग्रसर होंगे समाज को बेहतर करने के लिए अग्रसर होंगे एनवायरमेंट के लिए अच्छा करने का प्रयास करेंगे और ऐसे लोगों को कर... होना भी चाहिए ठीक है होना भी चाहिए मान लीजिए आपने आ, अपने मतलब कुछ जीवन में आपने कुछ हजार या कुछ पांच सौ पेड़ लगा दिए तो भाई एक बहुत बड़ा काम किया है आपने मतलब जनरेशन के लिए और अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो डेफिनेटली होना चाहिए ठीक अगला सवाल है विच स्टेट या यूटी इज द हॉस्ट ऑफ द फर्स्ट क्या है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज तो पूछा गया है दोस्तों कि हमारा मतलब कौन सा राज्य है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर क्या होगा वन इज राइट ठीक है यस नमस्कार ठीक है यस नमस्कार तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों दैट इज अप्शन यस ए इज द राइट आंसर न्यू डेली इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है अगले सवाल में मिस्टर डोंग आ चुके हैं डोंग बोल रहे हैं कि सेशन को लाइक like और शेयर करते रहना है तो जितने भी लोग हैं मैं सभी को बोलूंगा कि फटाफट जिन्होंने अभी भी लाइक like का बटन नहीं दबाया है इसको जरूर बता दे दबा दीजिए तो ठीक है अब दोस्तों इसमें पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द मॉस्पी डाटा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्लान इम्प्लीमेंटेशन का फुल फॉर्म देख लीजिएगा कई बार आया हुआ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ एंड प्लान ये याद रखना एंड प्लान इम्प्लीमेंटेशनेशन तो ये इसमें देखिए जरा क्या पूछा जा रहा है ठीक है इसमें बहुत ही सिंपल सी एक चीज पूछी जा रही है कि आ, अभी हा, हालिया के आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2023 में भारत की जो खुदरा मुद्रा है वो कितने दर्ज की गई है दोस्तों ठीक है तो जरा बता दीजिएगा रिटेल इन्फ्लेशन आपने वो ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो आपका MSP है मतलब सॉरी एमएसपी नहीं हम लोग किसकी बात कर रहे थे सीपीआई डब्ल्यू पी आई होलसेल प्राइस इंडेक्स वो आपने देख लिया था थ्री पॉइंट कुछ था अराउंड फोर के आसपास यहाँ पर दोस्तों जो रिटेल है वो कितना है सिक्स पॉइंट फोर फोर परसेंट ठीक है तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों ठीक है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अगला सवाल है पूछा गया है दोस्तों कि फिल्म वन सेवन अवार्ड्स ड्यूरिंग द ऑस्कर 2023 दोस्तों इस बार का जो ऑस्कर इवेंट है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है आपको वैसे इंडिया परस्पेक्टिव में ट्रिपल आर को पढ़ के जाना है दोस्तों ठीक है और दूसरा कौन सा है द एलिफेंट विस्पर ठीक है तो ये दो मूवी है इंडियन मूवी जिनको आपने पढ़ के जाना है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है दोस्तों ठीक है तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है आपका दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ठीक ठीक है है एवरीवेयर ऑल एट वंस दोस्तों तो याद रखिएगा ये सात अवार्ड टोटल जीती हुई है किसमें ऑस्कर में दोस्तों ठीक है अगले क्वेश्चन में चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द साइक्लोन दैट हैज कॉज्ड विंड्स एंड ये दोस्तों अभी आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि ये ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत बड़े लेवल पे इसने नुकसान पहुंचाया है और इंडिया में तो ऑलरेडी आप देख ही रहे हो कि कई जगह इस समय आपके वो चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे मतलब परिवर्तन देखने को मिल रहे होंगे ना हाँ जरा बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत में भी इस समय मौसम में बहुत परिवर्तन है आपका जो भी दिल्ली एमपी बिहार यूपी चारों तरफ बारिश के आसार हैं कई जगह बारिश हो रही है ओले भी गिरे हुए हैं किसानों को बहुत नुकसान है दोस्तों इस समय ठीक है मानना पड़ेगा बहुत से सभी किसानों की लगभग जो फसलें हैं वो खेतों में पड़ी हुई हैं और बहुत ही ज्यादा लॉस है दोस्तों ठीक है तो इसमें से जो हम लोग सही आंसर टिक करने जाएंगे वो कौन सा फ्राइडे ठीक है सो फ्राइडे याद रखेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला सवाल देखिए पूछा गया है कि माधव नेशनल पार्क च वॉज सीन इन द न्यूज इज इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी तो माधव नेशनल पार्क जो अभी हाल ही में न्यूज में देखा गया था एक आपने पढ़ा था गुजरात का तो गिर नेशनल पार्क के पास का था ठीक है अभी हाल ही में न्यूज न्यूज देखा गया था ठीक है तो जरा बताएगा किसका राइट आंसर क्या होगा तमिलनाडु है मध्य प्रदेश है गुजरात है या फिर केरला तो आप निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को टिक करेंगे यस कैप्टन मॉर्गन साहब भी आ चुके हैं जरा बताएगा मॉर्गन साहब कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा और दोस्तों ये है आपका कौन सा मध्य प्रदेश में दोस्तों तो मध्य प्रदेश का एक याद रखेगा एक कोनू अभी हाल ही में न्यूज में चल रहा है और इसके अलावा जो न्यूज में चल रहा था एक दुर्गावती दुर्गावती भी मध्य प्रदेश का न्यूज में चल रहा है दोस्तों और कोनो भी और साथ में याद रखिएगा माधव नेशनल पार्क भी आपके पढ़ के जाना है ठीक है माधव भी इंपॉर्टेंट रहता है और कई बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है आपको मालूम है कि सबसे बड़ा जो फॉरेस्ट कवर है वो मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में टोटल बारह नेशनल पार्क आपको देखने को मिलते हैं सबसे ज्यादा टाइगर्स की संख्या चीते की संख्या जो है वो आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिल जाएगी ठीक है अगला सवाल है दोस्तों की विच यूनियन मिनिस्ट्री इज सेट टू हॉस द वर्ल्ड फूड इंडिया टू इवेंट तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मंत्रालय है जो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए तैयार है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है इसमें से आप निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है तो इसमें से जो राइट आंसर टिक करने जाएंगे दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल पूछा गया है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द लीन स्कीम तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लीन स्कीम को लॉन्च किया गया है ठीक है तो जरा बताइएगा कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप निम्नलिखित में से किसको टिक करने जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ एम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है डिफेंस है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है अच्छा रवि जी ठीक है हाँ बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से तो अच्छा करके आइए छोड़ के आइए पटवारी बन जाइए ठीक है और पैसा कमाइए तो इसका जो राइट right आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ एम एस एम ई ठीक है अगला सवाल पूछा गया विच इंस्टीट्यूट रिलीज द लैंड स्लाइड एटलस ऑफ इंडिया तो किस संस्था ने लैंड स्लाइड एटलस जो है भारत का जारी किया है ठीक है नाबार्ड होगा इसमें डीआरडीओ uh, है इसरो है या फिर नीति आयोग है ठीक है वन इज़ द राइट आंसर हाँ एमएसएमई के जो मिनिस्टर हैं वो नारायण राणे साहब हैं तो समय जो संभाल रहे हैं वो नारायण राणे तो इसमें जो राइट right आंसर है दैट इज़ दोस्तों इसरो इज़ द राइट आंसर इसरो में भी याद रखिएगा आपके नए अपॉइंटमेंट हुए हैं आप पूरा डिटेल में जानते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं तो स्थापना नाइनटीन पढ़ते हो इसका हेडक्वाटर पढ़ ले तो आप दोस्तों क्या पढ़ लेते हो दैट इज़ ऑफ बेंगलुरु ठीक है और इसके जब आप उसके हेड की बात करते हो तो इसके जो हेड हैं एस शोम नाथन है दोस्तों ठीक है तो इसके जब आप हेड पढ़ते हो तो इसके हेड है वो कौन है आपके एस सोम नाथन ठीक है याद रखेगा एस सोमनाथन ठीक है तो चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग पूछा जा रहा है कि द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यू एल पी आई एन इज एन अल्फा नोमेरिक नंबर विद हाउ मैनी डिजिट ठीक है जरा देखिएगा और ट्राई करिएगा कि इसका आप सही आंसर कर सकें फिर से देख लीजिएगा यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यू एल पी आई एन एक अल्फा नोमेरिक नंबर है जिसमें कितने अंक होते हैं में कितने अंक होते हैं ये बताना है आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या टिक करेंगे आप वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर वन इज राइट इसमें से जो सही आंसर हम लोग टिक करने जाएंगे ठीक है दैट इज ऑप्शन ठीक है दैट इज ऑप्शन यस सी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ठीक है अगले सवाल में चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच स्टेट गवर्नर रिटर्न प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैंबलिंग बिल तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से uh, किस राज्य सरकार के द्वारा uh, ये मतलब अभी हाल ही में प्रोहिबिशन मतलब लगाया गया है ऑनलाइन गैंबलिंग बिल पर केरला है तमिलनाडु है वेस्ट बंगाल है या फिर पंजाब विच वन इज राइट तो इसमें से आप किस ऑप्शन पर जाएंगे वन <coughs> होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर व्हिच वन इज करेक्ट ठीक है दोस्तों तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा <coughs> यानी कि हम लोग जो सही आंसर टिक करने जाएंगे इज तमिलनाडु इज द राइट आंसर दोस्तों ठीक है तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इज तमिलनाडु और ऑलरेडी आपको मालूम है दोस्तों की मतलब ये जो गैमलिंग है ऑनलाइन आज के समय में आता है ना जो बड़े बड़े प्लेयर हैं कई बार जो ऐसे कुछ प्लेयर होते हैं जो बहुत बड़े बड़े एजुकेशन और बहुत सारी स्टडीज के कोर्सेज को भी प्रमोट करते हैं और फिर वही बाद में आकर के बोलते हैं बोलो जुबा केशरी वही आकर के आपको बोलते हैं कि भाई साहब ऐसा करो कि पढ़ाई लिखाई मैं कर लेता हूं तुम जाकर के टीम बनाओ तो ये जो है ना ये थोड़ा सा एक मुद्दा इस समय चल रहा है और बहुत बड़े लेवल पे इस पे इसको प्रमोशन किया जा रहा है गाम्बलिंग को ठीक है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों ठीक है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आप अपनी प्रिपरेशन के लिए जुड़ सकते हैं टेस्ट टेक्सबुक सुपर कोचिंग कोर्सेज के साथ और यूज़ कर सकते हैं कूपन कोड दडेजा यस एच आई वी के टी और यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको कोर्सेज मिलते हैं वन टू वन इंटरेक्शन सेशन गाइड सेशन ठीक है पी सारी चीजें मिल जाएंगी दोस्तों और बिल्कुल डिस्काउंट पाने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे कोचिंग uh, कोर्सेज के साथ और कोर्सेज सभी को मालूम है दोस्तों कि कोर्सेज़ हैं वो आपके बिल्कुल इस समय अवेलेबल हैं आपके एप्लीकेशन पर और इनको इनरॉल करना है बहुत ही आसान तो आई होप कि आप सभी देख पा रहे होंगे सबसे पहले तो जितने लोगों ने अभी भी सेशन को लाइक नहीं किया मैं सभी को बोलूंगा कि सेशन को एक बार लाइक कर दो ठीक है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना बाल आइकन जरूर हिट कर लेना सो दैट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे यहां पर आपको जाएंगे दोस्तों तो मिल जाएगा डबल आपका डी डी ए जेई का भी होगा और एमपीपी जी सी एल का भी होगा ठीक है तो सारे कोर्सेज दोस्तों अवेलेबल हैं और आप बिल्कुल इनको बहुत ही कम प्राइसेस में अवेलेबल कर सकते हैं तो दोस्तों देखिए आप देख पा रहे होंगे कंप्लीट कोर्सेज है है ना करंट अफेयर भी है जीए का पार्ट भी है एप्टीट्यूड भी है और सारे कोर्सेज इसमें कवर्ड है दोस्तों ठीक है डबल ई है सी है मैकेनिकल है नाइन प्लस कोर्सेज हैं दोस्तों ठीक है और डिस्काउंट पाने के लिए यहाँ पर जाइएगा और कूपन कोड लगाइएगा कूपन कोड एक ही आपका देते यस ठीक है एच आई ए टी और जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे विल गेट द हाइएस्ट डिस्काउंट दोस्तों ठीक है तो ये पड़ेगा दो हजार पाँच सौ निन्यानवे रुपए का ओनली ठीक है चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों जरा बताएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा विच वन इज राइट पूछा गया कि विच कंट्री हॉस्टेड द थर्ड सेशन ऑफ द नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन विच वन इज राइट में से आप किस ऑप्शन को टिक करेंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच वन इज राइट नहीं अभी खत्म कैसे होगा दोस्तों अभी तो खत्म नहीं हो सकता पूरा एक घंटे का सेशन होगा एक वीक का करंट अफेयर इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाएगा मित्रों है ना तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दैट इज इंडिया इज द करेक्ट आंसर दोस्तों ठीक है तो ये जो तीसरा सेशन है ये कौन कंडक्ट कर रहा है इंडिया इंडिया आपका जी ट्वेंटी भी कंडक्ट कर रहा है इंडिया आपका दोस्तों आपको मालूम है कि इस बार uh, क्रिकेट वर्ल्ड कप भी हॉस्ट कर रहा है ठीक है तो बहुत सारी इवेंट है जो इंडिया ऑलरेडी हॉस्ट कर रहा है हॉकी वर्ल्ड कप ऑलरेडी हमने हॉस्ट किया हुआ है ठीक है अगला सवाल है कि द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये आपने पढ़ा होगा पी के बारे में मैं ये लिख देता हूँ ठीक है ये आपका 2002 है तो कोई भी व्यक्ति आपने देखा होगा कि वो गलत तरीके से अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में अगर कन्वर्ट करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या किया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा उम्मीद है दोस्तों आपके पास तो ब्लैक मनी नहीं होगी अब आप लोग सोचते होंगे सर हमारे पास तो व्हाइट मनी ही नहीं है ब्लैक मनी की तो बात ही छोड़ी है ठीक है तो दोस्तों ये जो है ना ये अभी आ, काफी इम्पोर्टेंट चल रहा है न्यूज में ठीक है तो ये किससे जुड़ा हुआ है वर्चुअल डिजिटल से रियल एस्टेट से ज्वेलरी से और इलेक्ट्रॉनिक्स से ठीक है तो इसका जो राइट right आंसर है दैट इज अ वर्चुअल डिजिटल असिट्स इज द राइट आंसर ठीक है दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल है विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट द स्वदेश दर्शन टू प्रोग्राम स्वदेश दर्शन दोस्तों स्वदेश दर्शन किससे जुड़ा हुआ होगा दोस्तों ठीक है टूरिज्म स्वदेश तो दर्शन हो गया एक आपने पढ़ा होगा एक और चल रहा है जिसका नाम है सीमा दर्शन तो अपने देश का भी दर्शन करना है और बॉर्डर टूरिज्म का भी एक पार्ट है इसी तरीके से आपने एक पढ़ा होगा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है हृदय हम लोग ये लेकर के आए हैं ठीक है हृदय बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए तो क्लियर सी बात है कि इसका राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज द राइट right आंसर दोस्तों ठीक है स्वदेश दर्शन मतलब आप अपने टूरिज्म को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं दोस्तों ठीक है अगला सवाल आ, नासा पूछा गया क्यूरियोसिटी रोवर रिसेंटली कैप्चर्ड द इसमें कुछ इमेजेस की बात की गई है रेज ऑन विच प्लानेट? तो पूछा गया दोस्तों कि नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने हाल ही में किस ग्रह पर सिर्फ सुकुलर किरणों को पकड़ा है पृथ्वी है मंगल है बृहस्पति है या फिर शुक्र नासा का दोस्तों अभी हाल ही में एक और गया हुआ था आपने पढ़ा होगा आरटे मिस करके एक प्रोजेक्ट था एक तो निसार करके है ना जो न्यूज में चलता रहता है और एक है आपका कौन सा आरटे मिस वन कौन सा है दोस्तों आरटे मिस वन ये मून पर है ये मून पर भेजा हुआ है भारत ने भी अभी भेजा हुआ है चंद्रयान थ्री इंडिया का भी अपना चंद्रयान थ्री है ना और दूसरा आपने पढ़ा होगा आदित्य एल वन सोलर मिशन राइट आंसर है इज अ मार्स ऑप्शन ठीक right है, है 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 चलिए अगला सवाल दोस्तों पूछा गया करके एक major operational level exercise है, ये आ, किस देश में हुई है? अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों एक अभी आपने पढ़ी थी कौन सी आ, पढ़ी हुई थी इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में एक अभी साइक्लोन वन करके हुई है इंडिया और इजिप्ट के बीच में है ना ये पूछी गई है दोस्तों दैट इज अ ट्रोपेक्स ठीक है इसमें से राइट आंसर क्या होगा आप किसको टिक करने जाएंगे इसमें से जो करेक्ट आंसर हम लोग टिक करेंगे दैट इज 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 ऑप्शन ऑप्शन द द द राइट राइट आंसर आंसर इंडिया इंडिया करेक्ट चलिए अगला सवाल पूछा गया है सेंटर हैज रिसेंटली डायरेक्टेड नाफेड एन सी सी एफ फॉर इमीडिएट इंटरवेंशन इन मार्केट फॉर परचेज ऑफ विच प्रोडक्ट केंद्र ने हाल ही में नाफेड एन सी सी एफ को किस उत्पाद की खरीद के लिए बाजार में तत्काल हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया है एक आलू आ, लाल प्याज कपास या फिर जूट विच वन इज राइट इसमें से आप किस ऑप्शन को टिक करेंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर और इसमें से जो सही आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर रेड अनियन इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है तो इसमें से हम लोग जो सही आंसर टिक करेंगे दैट इज अ रेड अनियन इज द राइट आंसर दोस्तों ठीक है चलिए अगला सवाल है पूछा जा रहा है कि विच कंट्री हैज ओपेंड मिलिट्री सर्विसेज टू वोमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन ट्वेंटी फाइव इयर्स किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली है सोचिए जरा कौन देश हो सकता है ये श्रीलंका कोलंबिया यूके या फिर जापान तो ये कौन सा देश हो सकता है दोस्तों यूके में ऑलरेडी अलाउड है जापान में भी ऑलरेडी अलाउड है एक ही दोस्त है दैट इज अ कोलंबिया इज द राइट आंसर दोस्तों ठीक है तो महिलाओं के लिए भी अब मिलिट्री सर्विसेज ओपन कर दी गई है कोलंबिया इज द राइट आंसर अगला सवाल है निम्नलिखित में, में से कौन सा है देश है जिसने इलीगल माइग्रेशन बिल को लॉन्च किया है इलीगल माइग्रेशन बिल और ये यूएसए होगा यूके होगा चाइना होगा या फिर ग्रीस होगा उसके बारे में नहीं कह सकते दोस्त कि कब भर्ती आएगी देखना पड़ेगा एमपी लाइनमैन लाइन तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यूके इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है यूके इज द राइट आंसर एमपी के वैकेंसी कब आएगी कब एग्जाम होंगे कब रिजल्ट आएगा मामा ही जाने उसके बारे में ठीक है पूछा गया है दोस्तों कि एक साइक्लोनिया है ठीक है जरा बताई गई सॉरी साइक्लोनिया सिलोनिया के बारे में पूछा गया है दुर्लभ कीट प्रजाति भारत में पहली बार किस राज्य में देखी गई केरल तमिलनाडु कर्नाटक या फिर उड़ीसा और इसका जो राइट आंसर है दैट इज अ तमिलनाडु इज द राइट आंसर ऑप्शन बी एच करेक्ट ही अगला सवाल पूछा गया है जो मनिक साय साहब हैं अभी हाल ही में इन्होंने आपने पढ़ा होंगे कि तीन राज्यों में चुनाव हुए थे एक आपके नागालैंड में चुनाव हुए हैं और आपने एक पढ़े होंगे कहाँ पर मेघालय मेघालिया तो मेघालय में भी चुनाव हुए हैं और एक आपने पढ़े होंगे कहाँ पर चुनाव हुए हैं त्रिपुरा इन तीन लोकेशंस पर आपके चुनाव हुए हैं तो इसमें से राइट आंसर क्या है और इसमें से जो करेक्ट आंसर है इज त्रिपुरा ठीक है तो मनिक साय आपके बनाए गए हैं कहाँ के त्रिपुरा के सीएम बनाए गए दोस्तों ठीक है चलिए अगला सवाल पूछा गया है आ, कि वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी की जो दूसरी बैठक है उसका मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा शैर कर रहा है ठीक है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन है ये तो आपको बताना है कि विच वन इज राइट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा और आप निम्नलिखित तो में से किसको टिक करेंगे क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है ठीक है दैट इज अ ऑप्शन याद रखिएगा यहाँ पर अगर हम लोग सही करने जाएंगे दोस्तों ठीक है तो यहाँ पे जो राइट right आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हैदराबाद ठीक है चलिए अगला सवाल पूछा गया दोस्तों की सल होतु ओनु ओ क्रूज ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनकर इतिहास रख दिया है अब ये नाम ना बहुत जैसे अभी आपने पढ़ा था सुरेखा यादव है ना सुरेखा यादव न्यूज में चल रही हैं अभी आपकी और उसी तरीके से यह भी है वो वंदे भारत में ट्रेन में पहली महिला लोको पायलट बनने वाली का रिकॉर्ड दर्ज किया है सुरेखा यादव जी ने और ये है आपकी दोस्तों ठीक है दैट इज आ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दो लोग नहीं है ये एक ही लोग हैं <laughs> नाम याद रखेगा सल हो तू ओ नू ओ क्रूज ठीक है ऑप्शन बी इज राइट नागालैंड ठीक है अगला सवाल पक्षोत्सव विच वोमेन मिनिस्ट्री लॉन्च स्वच्छोत्सव वोमेन क्लीनलीनेस क्लिनलीनेस तो दोस्तों ये जो प्रोग्राम होगा ये याद रखिएगा क्लीनलीनेस प्रोग्राम है स्वच्छ भारत अभियान वैसे भी आप पढ़ते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण आपने पढ़ा होगा उसी तरीके से आपका स्वच्छोत्सव तो एक वोमेन लेड क्लीनलीनेस कंपेनिंग है और ये निम्नलिखित में से किस मिनिस्ट्री और किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था ठीक है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा और इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन बी इज राइट ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों चलिए अगला सवाल पूछा गया कि विच इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है फिर से देख लीजिएगा विच इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड बैंक है आई है ठीक है इसमें से आप किस ऑप्शन पे जाएंगे और इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है दैट इज़ वर्ल्ड डब्ल्यू एम ओ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है और इसका जो हेड क्वार्टर है हेडक्वाटर भी कई बार पूछा जा सकता है तो हेडक्वाटर आप लोग जो पढ़ने जाएंगे दोस्तों ये कहाँ पर है जिनेवा स्विट्जरलैंड सवाल पूछा है कि जो बहु बाहुबली काफी इम्पोर्टेंट है तो बाहुबली नाम से दोस्तों एक अभी हाल ही में एक रोड बैरियर होते हैं ना आपने देखा होगा कि पहले स्टील को लगाया जाता था अब स्टील इस का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो स्टील को दोस्तों इसको हटाया जा रहा है और उसकी जगह पर बैम्बू ठीक है बैम्बू के बैरियर बनाए गए हैं दोस्तों है ना बाहुबली नाम दिया गया है तो अगर कोई इससे टकराएगा तो क्लियर सी बात है कि बहुत बड़े लेवल पे तो डैमेज नहीं होगा और रिसाइकिल भी किया जा सकता है सबसे इंपॉर्टेंट है रिसाइकिल किया जा सकता है इनको और इनको जो सबसे पहले एक ट्रायल के रूप में इस्तेमाल किया गया है कहां पर महाराष्ट्र में ठीक है महाराष्ट्र में दोस्तों ठीक ऑप्शन बी इज राइट तो ये याद रखेगा ये एक बाहुबली करके ये पूरी तरीके से बैम्बू का बनाया गया है और ये हाई डेंसिटी पॉली एथलिन से इसको कोटेड किया जाएगा दोस्तों है ना और इसको अब बैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा ठीक है अगला सवाल है कि ब्रह्मोस मिसाइल है हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द पार्टनरशिप बिटवीन रसिया एंड तो दोस्तों इसको हम लोग विश्व की फास्टेस्ट uh, सुपरसोनिक मिसाइल में हम लोग इसको काउंट करते हैं ब्रह्मोस को और अभी आपने अग्नि के बारे में पढ़ा होगा अग्नि फिफ्थ अभी हाल ही में न्यूज़ में चल रही थी आपने अग्नि फिफ्थ के बारे में भी पढ़ा होगा पृथ्वी सेकंड के बारे में भी पढ़ा होगा ठीक है पृथ्वी टू ये भी आपने पढ़े होंगे ये सब आपके न्यूज़ में थे इसमें से राइट आंसर क्या है इशरो है डी है हॉल है या फिर वेल है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है डी याद रखेगा इज राइट क्वेश्चन का तो आप सही आंसर करने जाएंगे वो क्या हो जाएगा दर इज ऑप्शन, बी इज़ राइट ठीक है चलिए अगला सवाल है अयुब की इतना क्लियर याद रखेगा ठीक है और ये जो करेंटली है याद रखिएगा फास्टेस्ट सुपरसोनिक आपकी मिसाइल है इन द वर्ल्ड ठीक है और आप इसको बिल्कुल लॉन्च कर सकते हैं सबमरीन से भी जहाज़ों से भी एरोप्लेन से भी और पृथ्वी से भी चलिए अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि विच कंट्री हैज प्रपोज टू क्रिएट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसे अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत के द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी प्रपोज किया गया था और वो काफी सक्सेसफुल रहा हम लोग बहुत सारे देशों को इसमें जोड़ रहे हैं इसी तरीके से भारत के द्वारा अच्छा यही तो आंसर है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस विश्व की जो भी बड़ी बड़ी आपके कैट्स हैं इन सबको एक्सचेंज किया जाएगा उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाएगा दोस्तों हाँ हॉल भी लिया था पार्टनरशिप में बिल्कुल ठीक है तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक है इंडिया इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल है तो दोस्तों जितने भी आपके मतलब बड़े बड़े बिग कैट्स हैं उन सभी को उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनको कैसे बचाव किया जा सकता है इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो इसमें एक्सचेंज की जाएगी और लगभग अगर मैं बात करने जाऊं तो इंडिया ने 100 मिलियन यूएस डॉलर का इसमें फंड भी दिया कर, देने की बात कर दी गई है अगले पांच सालों के लिए और बहुत सारे देश हैं जो इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं दोस्तों ठीक है लगभग 97 कंट्रीज हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं ठीक है और ये जो बिग कैट्स में आपकी टाइगर्स uh, लायंस और जो भी चीता वगैरह हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड पूछा गया कि द ड्राफ्ट द ड्राफ्ट सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन वॉज इशूड रिसेंटली टू प्रोटेक्ट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनिय, विनिय, विनियम हाल ही में किस प्रजाति की रक्षा के लिए जारी किया गया था एक सींग वाले गेंडे के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एशियाई हाथी एशियाई शेर सही आंसर क्या होगा इसमें से जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी तो जो आप करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे दोस्तों जो राइट आंसर टिक करने चले जाएंगे वो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट दोस्तों ठीक है ऑप्शन बी इज राइट ठीक है अगला सवाल आपने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में सुना होगा दोस्तों <coughs> ये सबसे हैवी याद रखिएगा फ्लाइंग बर्ड होती है <coughs> मेरे पास यहाँ पर इमेजेस नहीं है वरना मैं जरूर डालता और ये आप कह सकते हैं कि ये वाला जो हमारा पार्ट होता है ना इंडिया और ये पाकिस्तान का लगभग बॉर्डर इस एरियाज में सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो हैविएस्ट फ्लाइंग बर्ड है ये लेकिन दिक्कत ये है कि आज के समय में आप बहुत सारी आ, कौन सा आप किसका यूज करते हो दोस्तों जो हमारे मतलब विंड पवन चक्की होती है आज के समय में पवन चक्की का इस्तेमाल किया जाता है और खासतौर से आपने देखा होगा दोस्तों कि ये जो बड़े बड़े पोल वायर हैं ठीक है थीके? आज के समय में ये जो आपकी ग्यारह हजार वोल्टेज की जो लाइन निकली होती है उन तारों से ये लोग चिपक जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों तो सरकार इसमें बहुत बड़ा फोकस कर रही है सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए आदेश दिया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को सेव करने का इनकी संख्या कुछ सैकड़ों में रह गई है ठीक है इनडेंजर्ड कैटेगरी में है ये और अगर Uh, ये बोला गया है कि ये जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस हैं है ना uh, ये मतलब ये जो मतलब इन सभी को अंडरग्राउंड किया जाना चाहिए और अगर ये अंडरग्राउंड हो जाएंगी तो हो सकता है कि हम लोग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचा पाएं ठीक है अगला सवाल डिजिटल इंडिया बिल एसोसिएटेड विथ विच यूनियन मिनिस्ट्री तो जरा बताएगा कि इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या हो जाएगा विच वन इज करेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो राइट right आंसर है दैट इज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इज़ द राइट आंसर ठीक है दैट इज़ अ ऑप्शन ठीक है सी इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन सी इज राइट दोस्तों ठीक है तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखेगा और ये जो बिल है ना ये सक्सेस करेगा यानी कि ये जगह ले, ले लेगा किसका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू का ये जगह ले लेगा दोस्तों ठीक है तो ये इसको जगह लेने जाएगा और आज के समय में दोस्तों याद रखेगा जो नेट है इसको और भी बेहतर बनाया जाएगा लोगों के लिए सेफ और सुरक्षित बनाया जाएगा कि लोग इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें और इससे होने वाले जो भी क्राइम वगैरह हैं जो भी इससे आपकी गलत चीजें एक्टिविटी कंडक्ट किए जाते हैं उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों ठीक है अगला सवाल है आज के समय में आपने देखा होगा कि जो सोना होता है ना खरीदते हैं या आप बेचते हैं तो उसमें अब एक टैग मार्क आना शुरू हो जाएगा ठीक है जो भी आप गोल्ड बेचते हैं या खरीदते हैं या भविष्य में बेचेंगे या खरीदेंगे तो अब उसमें एक टैग मार्क आना शुरू हो जाएगा तो हर सोने में अब किसकी मोहर आपको देखने को मिलेगी ठीक है विच वन इज राइट तो यही पूछा गया है जरा बताएगा किस में से आप किस ऑप्शन को करने जाएंगे और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ अ गोल्ड ठीक है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर तो ठीक है और लिथियम तो आपको मालूम है भाई साहब कि लिथियम जम्मू कश्मीर में भी मिला हुआ है और अभी हाल ही में ईरान में भी मिला हुआ है ठीक है तो तो लिथियम तो याद रखिएगा दोस्तों है ना एक अप्रैल से ये शुरू होने वाला है बिल्कुल और हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन ठीक है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन दोस्तों ठीक है तो आप याद रखिएगा ये कितने डिजिट का होगा एक सिक्स डिजिट का अल्फा नोमेरिक कोड होने जाएगा दोस्तों ठीक है अल्फा नो कोड होने जाएगा सिक्स डिजिट का रहेगा ठीक है ओह हो हो, हो। चलिए दोस्तों बस इतना था आपके एक वीक का करंट अफेयर याद रखिएगा सीधी बात नो बकवास करंट अफेयर में आपका स्वागत रहेगा हमेशा हर एक वीक में आप कनेक्ट करिएगा प्रयास करूंगा कि मैं आपके लिए इसी तरीके से बेहतरीन जो सवाल है वो लेकर के कंडक्ट करा सकूँ सेशन को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और बाकी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन सभी के लिए ओपन जरूर है पीडीएफ के लिए मोर अपडेट के लिए बिल्कुल आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं ग्रुप का नाम याद रखिएगा है ना और बाकी प्रिपरेशन के लिए जुड़ सकते हैं टेक्स बुक सुपर कोचिंग कोर्सेज के साथ और यूज कर सकते हैं कूपन कोड याद रखिएगा दरेजा यस एच आई वी के टी टू गैट द मैक्सिमम और जो इस समय सिक्स मंथ का कोर्स अवेलेबल है सिक्स मंथ की वैलिडिटी के साथ दट इज ओनली एंड ओनली टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन दोस्तों ठीक है सो यूज द कोड एंड टू गेट एनरोल फॉर द कोर्सेस और जाने से पहले दोस्तों याद रखिएगा मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं ऑलरेडी एडवांस में इनविटेशन दे करके जा रहा हूं कल आप मेरे साथ कनेक्ट करेंगे दोस्तों कितने बजे कल आप मेरे साथ कनेक्ट करेंगे दोस्तों मॉर्निंग में नाइन ए पर ठीक है तो कल नौ बजे दोस्तों सभी का फेसबुक हवेली पर स्वागत रहेगा है ना नाश्ता वास्ता करके आ जाइएगा मोबाइल चार्ज कर लीजिएगा और हम लोग दो घंटे का कल हिस्ट्री का मैराथन सेशंस कवर करने जाएंगे दोस्तों ठीक है सो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच गाइस ठीक है और ये जो वीकली सेशन है ये लगातार चलता रहेगा बाकी आपके सभी के फीडबैक पर डिपेंड करता है देखते हैं कि अब आप लोगों का रिस्पांस कैसा है रिस्पांस अच्छा रहेगा हम लोग इसको जरूर करेंगे दोस्तों ठीक है सो थैंक यू सो मच एंड यस एज ऑलवेज गॉड यू ऑल सभी को शुभरात्रि दोस्तों सभी को शुभरात्रि